हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर तुहाडा मेरे इस चैनल मोड लुक बुटीक च। फ्रेंड्स, अज मैं थोनू पॉकेट वाली शमीज बनानी दसांगी, पॉकेट वाली अंडर शर्ट, ठीक है जी। उस तो पहला फ्रेंड्स, जिन्होंने हाल तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, बैल आइकन जरूर प्रेस करो ताकि मेरी आने वाली नवी वीडियो का नोटिफिकेशन थोड़ा सब तो पहला मिल सके। स्टार्ट कर दें अज की वीडियो। फ्रेंड्स देखो, ये मैं अंडर शर्ट की जी कटिंग हैगी है ये कीती हुई है। यदि लेंथ देखो, इसकी लेंथ मैं 28.5 इंच रखी हुई है, जो कि रेडी रह के हो के 27-27.5 हो जाएगी, ठीक है जी। तुसी अपनी पसंद के अकॉर्डिंग अंडरशर्ट की लेंथ रख सकते हो 25-26-27, ठीक है जी। तो इसकी जिहड़ी फिटिंग है वो शर्ट की फिटिंग के अकॉर्डिंग ही लगती है, पैर लूज भी रख सकते हो। तो जिहड़ी दी साइड स्टिच हुंदा आ, ये शर्ट के नालों 1/2 इंच उपर ही हुंदा है, तां कि इह जदों आपां पाउंदे आ शर्ट की जिहड़ी साइड स्लिट हुंदी है उत्थों यह दिखे ना, ठीक है जी। फ्रेंड्स देखो, मैं इस तरह तुसीं अपने नाप के अकॉर्डिंग जिहड़ी हैगी है ये कटिंग कर लेनी है। तो गला इहदा मैं बैक का गला थोड़ा घट रखा आ, क्योंकि जिन्हां लई बनानी है वह बैक का जिहड़ा गला हैगा सूट का वह छोटा ही पाते हैं। अगर तुसीं वड्डा गला पाते हो तो इहनूं भी तुसीं डीप कर लेना है, ठीक है जी। सूट के गले नालों अंडरशर्ट का गला 1/2-1.5 इंच वड्डा रखीदा है, ता कि उपरों नज़र ना आवे, ठीक है जी। फ्रेंड्स, मैं इस अंडर शर्ट नूं तुहानूं साइड पॉकेट लगानी दसनी है, मैं गीजे की तरह लगानी है। मैनूं कई बार कमेंट्स भी आए सी कि मैं गीजा लगाना दसा, इहनूं मैं गीजे की तरह ही साइड पॉकेट लगानी है। तो देखो, जिहड़ा ये साइड पॉकेट लगती है राइट साइड पर लगती है। फ्रेंड्स देखो, फिर आपां जिहड़ी पॉकेट की जिहड़ी मार्किंग हैगी है वह राइट साइड पर कर देनी है। राइट साइड पर पॉकेट हुंदी है, जिहड़ी पॉकेट हुंदी है वह कमर तो नीचे लगती है, ठीक है जी। तो हिप तो 1/2 इंच या 1.5 इंच उपर लगती है, ठीक है जी। तो हुण देखो, ये 6.5-7 इंच के कमर है, ये तो नीचे आप इस एरिए जी है ये पॉकेट लगानी है। ये तो आप 1.5 इंच 1 इंच उपर छड़ देना है। जे आप कुर्ती ते लगा रहे हैं तो नीचे 1.5 इंच छड़ देना है, ठीक है जी। हुण मैं इत्थे 1 इंच छड़ रही हूँ, क्योंकि साइड जिहड़ी हैगी सिलाई उच्ची रखी हुई है। तो इस तो उपर फ्रेंड्स मैं 5.5-6 इंच ते इहदा मूँह रखना, मैं 6 इंच ते रख रही हाँ, ठीक है जी। 5.5-6 इंच ते मूँह रखना, जिहदे विच आपां अपना हाथ अंदर करना है, ठीक है जी। ये हो गई पॉकेट का मूँह बनाने दे लई इह जिहड़ी मार्किंग है, ये हो गई। हुण कटिंग करदे हां पॉकेट की। फ्रेंड्स देखो, मैं पॉकेट के लिए यह कपड़ा लिया हुआ है, यदि जी चौड़ाई हैगी है ये लगभग 6.5 इंच है, ठीक है जी। तो जी यदि लंबाई हैगी है यह 19 इंच ली हुई है, ठीक है जी। हुण आप 6-6.5 इंच आप इस तरह फोल्ड कर देना है। ये देखो 6.5 इंच फोल्ड कर दिता है, ठीक है जी। तो इतने साइड पर आप हल्के हल्के कट लगा देने हैं, ठीक है जी। तो जी ए वाली साइड हैगी है इनू आप थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का फोल्ड कर लेना है, थोड़ा थोड़ा कपड़ा दे के। हुण इस पॉकेट नू इस तरह फोल्ड करके उपरों शेप दे देनी है। तुसी इनू राउंड दे विच भी शेप दे सकते हो, अगर राउंड दे विच लगाना है तुसी इनू इस तरह तिकोनी दे विच भी शेप दे सकते हो, ठीक है जी। फ्रेंड्स हुण चलदे आं आपां मशीन ते, बनाने आं अंडर शर्ट। फ्रेंड्स पहला इहदे मोढे अटैच कर देने हैं। मोढ़े की सिलाई लग चुकी है, मैं डबल कर ली है। हुण आपां इहदा गला ते जिहड़ी इह मोढ़े है इह फोल्ड करांगे। फ्रेंड्स मैं अपनी लास्ट वीडियो दे विच भी उदां दा दस्या होया है कि किस तरह फोल्ड करने हैं। इन्हां नूं आपां अलग तो रेप पट्टी नहीं लगानी, आपां इन्हां नूं ऐदां फोल्ड करना है, ठीक है जी। पहलां थोड़ा थोड़ा एक एक बार फोल्ड कर लेना, तो एक एक बार फिर ऐसी तरह रख के सिलाई लगानी है। ऐसी तरह थोड़ा थोड़ा फोल्ड करते हुए चल जाना है, डबल डबल फोल्ड करते चल जाना है, तो नाल नाल सिलाई लगाते जाना है। ज़्यादा खिंच के फोल्ड नहीं करना, तो ढिला छड़ के फोल्ड नहीं करना, आराम नाल फोल्ड करके सिलाई लगानी है।
फ्रेंड्स देखो इस तरह फोल्ड हो गया, इसे तरह आप दूजा मोढ़ा भी फोल्ड कर लेना है। फ्रेंड्स दोनों मोढ़े फोल्ड हो गए, इस तरह गला भी फोल्ड कर देना है। कट लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसी तरह ये कपड़ा आराम नाल फोल्ड हो जाता है। ठीक है जी, फ्रेंड्स गले ते मोढ़े फोल्ड हो चुके हैं, रेडी हो चुके हैं। तो हुण आपां फिटिंग दी सिलाई लगानी है। एक साइड तो पूरी लगानी है, जिहड़ी आ साडी खब्बी साइड आनी है, जिहड़ी सज्जी साइड आनी है जिथे आपां पॉकेट दी मार्किंग कीती है उत्थे आपां इस तरह सिलाई लगानी है। इत्थों आपां सिलाई स्टार्ट करके जिथों आपां पॉकेट दा उपरला हिस्सा रखना है उत्थे मैं आह मार्क कीता होया है, इत्थे तक सिलाई लगानी है ते बैक करके पक्का कर देना है इस तरह। तो जिहड़ा बिच वाला हिस्सा है जिथे पॉकेट का मूँह रहेगा वो वाला हिस्सा छड के जे वाले हिस्से दे विच हिप तक सिलाई लगा देनी है। इत्थों भी पक्का कर लेना ते हिप वाली साइड तो भी पक्का कर देना। ठीक है जी, फ्रेंड्स देखो सिलाई जिहड़ी है बच चुकी है। हुण आपां इहनूं इस तरह खोल के एक साइड की सिलाई आपां लगाई नहीं है फिटिंग की, इस तरह खोल के जिहड़ा ये मार्जन है इहनूं इस तरह करके ये देखो इस तरह दबा लेना है। तो फिर आपां जिहड़ा ये हैगा आ मार्जन इहनूं इस तरह फोल्ड करके पॉकेट के आले दुआले मूँह अपना इहदा बंद कर देना, इस तरह कवर कर देना इहनूं। फ्रेंड्स देखो ये पॉकेट का जिहड़ा मूँह हैगा है बन गया है। ये तो हुण आपां इहनूं इस तरह मिला के एक इत्थे रफ सिलाई लगा देनी है तो कि जिस टाइम आपां इहदे नीचे अंदर पॉकेट अटैच करनी है तो फिर यह इस तरह इहदा मूँह खुला ना रहे। ठीक है जी, फ्रेंड्स देखो यह रफ सिलाई मैं लगाती है। हुण इहनूं उल्टी करके देखो पॉकेट का फिटिंग की सिलाई तो बाद आपां इह पॉकेट रेडी करनी है। पॉकेट का नीचे वाला हिस्सा मैं इस तरह थोड़ा थोड़ा फोल्ड कर लिया ता कि धागे ना निकलन। ठीक है जी, इहनूं इस तरह 6.5 इंच जिन्ना फोल्ड किया सीगा ओना फोल्ड करके पहला आपां साइड तो हाफ हाफ इंच विच दे के सिलाई लगा देनी है। दोनों साइड तो मैं सिलाई लगा ली है। ठीक है जी, मैं थोड़ा थोड़ा इस तरह रख लिया है उपरला हिस्सा। ठीक है जी, सिलाई लगाने दे लई थोड़ा थोड़ा खुला रख लिया है। ठीक है जी, तो हुण आपां इहनूं कर देना है इस तरह सीधा। इस तरह तो हुण इत्थों आपां एक उपरों सिलाई लगाते हुए इत्थों उन्ना ही हिस्सा आपां छड्ड देना है। ठीक है जी, छड के जिहड़ा आपां इह सिलाई लगाउण दे लई रखिया सी इन्ना हिस्सा इत्थों छड के आपां सिलाई लगानी शुरू करनी है एक एक पैर दी उपर। फ्रेंड्स हुण जिहड़ा इह उपर वाला हिस्सा आ इहनूं भी आपां एक सिलाई दे नाल इस तरह थोड़ा थोड़ा फोल्ड कर लेना है। जिहड़ी पॉकेट हैगी है ये इस तरह बन के रेडी हो चुकी है। ठीक है जी, फ्रेंड्स तो एक गल का होर ध्यान ये रखना है कि जिहड़ा मेरा ये कपड़ा है ये लाइनिंग वाला पतला कपड़ा है, ये जदों सिलाई लगाते हैं तो हंगदा है। ठीक है जी, इस जदों तुसी अपने दूसरे कपड़े पर यह पॉकेट लगानी है कुर्ती पर लगानी है या फिर ठीक है जी जिहड़ा ये वाला हिस्सा हुंदा है उपर वाला इहदे नाल साडी पॉकेट का जिहड़ा मूँह हुंदा है वह कवर हो जाना चाहिए। ठीक है जी, पॉकेट का मूँह इत्थे आना चाहिए है। ठीक है, इस हिसाब नाल तुसी यह हिस्सा रखना हुंदा है। तुसी 19 की बजाय 20 इंच की कटिंग भी कर सकते हो। तुसी जिहड़ा यह फोल्ड करना है ये उस हिसाब नाल करना है। ठीक है जी, जिहड़ा यह है इहदे नाल मूँह कवर हो जाना चाहिए है थोड़ी पॉकेट का। जिस तरह फ्रेंड्स मेरी पॉकेट का जिहड़ा मूँह है वह इत्थों लैके इत्थे तक आ। ठीक है जी, मैं साइडां फोल्ड कर ली है क्योंकि पॉकेट लगन तो बाद साइडां फोल्ड करनियां थोड़ियां औखियां हो जांदियां है। ठीक है जी, तो हुण देखो जिहड़ी ये मेरी पॉकेट हैगी है इहनूं आपां पहला इस तरह फोल्ड कर लेना है पॉकेट नूं ते इहदे सेंटर दे विच मार्क कर देना है। ठीक है जी, इस तरह तो इहनूं इस तरह इत्थे रख के पॉकेट दे नीचे वाली साइड इहनूं इस तरह रख के
सीधा इस तरह इनू खोल लेना है। ठीक है जी, तो ये देखो ये जिहड़ा उपर वाला हिस्सा ये पॉकेट का पूरा मूँह कवर हो रहा है तो उपर जा रहा है। ठीक है जी, इस तरह ही होना चाहिए है थोड़ी पॉकेट का भी। तो हुण इस हिस्से नूं आपां इस तरह कर देना है नीचे नूं, ते इत्थे आपां लगा देनी है सिलाई। तो हुण इनू ऐसी तरह सूई गड्ड के रखनी है, तो फिर आप जिहड़ा ये उपर वाला हिस्सा इनू इस तरह खोल लेना है। हुण देखो ये पहला पॉकेट का जिहड़ा उपर वाली नोक है इनू अपनी फिटिंग की सिलाई के नाल सेंटर के विच रख लेना इस तरह। तो फिर सारी पॉकेट नू सैट करके इस तरह सेंटर के विच ये सिलाई लगा देनी है। पक्का करके बंद कर देना है। पॉकेट जड़ी है साड़ी ये अटैच हो चुकी है। अंदरली साइड तो पॉकेट इस तरह है, तो देखो हुण मैं इनू सीधी साइड कर दी हाँ इस तरह। देखो जड़ी हुण आपां ये रफ सिलाई लगाई सी इनू आपां कढ़ देना है। देखो फ्रेंड्स ये पॉकेट जड़ी हैगी है साइड पॉकेट ये लग चुकी है इस तरह। ये देखो ठीक है जी, ऐसी तरह कुर्ती ते भी अगर तुसी गिज्जा लगाना है जा खीसा कुछ भी जो भी बोलते हैं ऐसी तरह लगता है वो। ठीक है जी, ये साड़ी जिहड़ी पॉकेट है ये लग चुकी है। फ्रेंड्स हुण दूसरे पासे ते भी फिटिंग दी सिलाई मार के पल्ले फोल्ड करके मैं थोनू रेडी करके दसदी हाँ। फ्रेंड्स लो जी अंडरशर्ट जिहड़ी हैगी है बन के रेडी आ, साइड ते इहदे पॉकेट भी लग चुकी है। ठीक है जी फ्रेंड्स, मैनू उम्मीद है कि तुहानू पूरी तरह समझ विच आया होवेगा। ये मेरा कपड़ा पतला होने करके किते किते थोड़ी सिलाई दे विच दिक्कत आती है। ठीक है जी, अपने वालों पूरी कोशिश की है कि तुहानू पूरी तरह समझ विच आवे। जे थोड़ी जी भी वधिया लगी है समझ विच आई है तो प्लीज़ एक लाइक जरूर दिओ। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नैक्सट वीडियो दे विच, तद तक दे लई बाय बाय।